हम लोगों की मांग है, जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं कि सरकार विगत पिछले सालों से हम लोगों के कोचिंग संस्थान पर ब्रेक लगाया हुआ है, वो स्कूल वाले टीचर को पेमेंट कर ही रहा है, कॉलेज वाले टीचर को पेमेंट कर ही रहा है, लेकिन अच्छे खासे हम लोग टैक्स भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग आखिर क्या करें, कोई चारा है नहीं, कोई कहीं से पेमेंट नहीं है हम लोगों को। आप लोग भी जानते हैं रूम भाड़ा लग रहा है और बिजली बिल लग रही है, ना तो बिजली बिल माफ़ कर रहे हैं, ना रूम भाड़ा माफ़ कर रहा है, ना तो कोई सबको योजना का लाभ दे रहा है, लेकिन कोई योजना का लाभ नहीं दे रहा है। तो हम यही चाहेंगे, सरकार से एक अनुरोध करते हैं शिक्षा संघ के माध्यम से कि आप मेरी मांगों को माने और इस 6 तारीख के अनलॉक में कुछ न कुछ मेरे लिए भी प्रावधान करें, और नहीं अगर प्रावधान नहीं होता है तो सरकार से एक और मांग है कि आप मुझे मुआवजा के तौर पर 5 लाख रुपया किसी बैंक से 0% इंटरेस्ट पर हमको दिलवा दें, ताकि हम सब व्यवस्था करें और मेरे स्टाफ जो हैं वो भी मेरे ऊपर आश्रित हैं, हम उन लोगों को भी कुछ न कुछ दें, नहीं तो ऐसी स्थिति आ गई कि भूखे मरने का स्थिति है सब। आज भिक्षाटन कार्यक्रम के जरिए हम अपने स्थानीय प्रशासन को, सरकार को यह जताना चाह रहे हैं कि कृपया शिक्षकों पर ध्यान दिया जाए, विद्यार्थियों पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, हम शिक्षकों का रोड हालत यह हो गया कि वह सड़क पर हैं, और यदि घर पर रहना संभव नहीं है तो सड़क पर ही शिक्षकों को जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। आज भिक्षाटन के लिए शिक्षक आतुर हैं, और हम सरकार से और स्थानीय प्रशासन से आग्रह करेंगे कि हम लोगों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। हम लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जरूर कोचिंग को संचालित कर सकते हैं उनके मार्गदर्शन में, इसलिए यदि आज इस भिक्षाटन कार्यक्रम के जरिए सरकार यदि हम लोगों के प्रति नहीं सोचती है तो फिर अगला हम लोगों को सख्त आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपना परिचय दे दे सर। सुधाकर मिश्रा, CNM केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट। जहाँ एक और सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत, वहीं हम लोगों की आत्मनिर्भरता पूरी तरह से छीनी जा चुकी है। आज हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है, साथ ही साथ हमारे जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, और वे सड़कों पर उतर आए हैं, साथ ही साथ उनके घर में अब भुखमरी की स्थिति हो गई है। ऐसे में सरकार को एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए हम लोगों पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ हम ये मांग करेंगे कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके हम लोगों को अनुदान दिया जाए, ताकि जो है हम लोग जो पूरी तरह से चरमरा गए हैं, अब हम लोग भी अपने स्थिति को धीरे धीरे सुधार सकें। क्या नाम है सर? हम लोगों की मांग है सरकार से। नाम सर? संतोष कुमार, एकलव्य इंग्लिश, भागलपुर। मैं प्राइवेट टीचर एसोसिएशन तरफ से सरकार से मांग करता हूँ कि हम लोग की जो टीचर की आर्थिक स्थिति है बहुत दयनीय हो गई है, और बहुत ऐसे टीचर हैं जो पिछले लॉकडाउन में आत्महत्या कर लिए हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि जब सभी चीज़ें खुल गई है तो धीरे धीरे शिक्षा को भी खोला जाए। बहुत टीचर लोग ऐसी स्थिति पहुँच गए कि भी शिक्षाटन को मजबूर हो गए। कैनलपुर के लिए शर्म की बात है, जब शिक्षक रोड पर आ जाए, शिक्षा रोड पर आ जाए, किताब सड़क पर बिके, जूता शोरूम में बिके, और भागलपुर शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, और भागलपुर के सारे शिक्षक रोड पर आ गए हैं, भीख मांगने की स्थिति में है, ये पूरे भागलपुर के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए शर्म की बात है। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। कई शिक्षक साथियों ने पिछले वर्ष जो है सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, इस बार भी कई शिक्षक डिप्रेशन में चले गए, कुछ सुसाइड करने की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए अगर शिक्षा को बचाना है, शिक्षकों को बचाना है, तो सरकार से गुजारिश है कि आप शिक्षा को जितना जल्द हो सके आप खोलिए, नहीं तो हम लोग की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हम लोग कभी भी कुछ करने की स्थिति में है, कुछ भी हो सकता है, फिर इसके बाद इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम लोग 1.5 साल से सोच लीजिए, जिस आदमी का काम बंद हो, रोज बैंक वाले का फोन आता है, लोन है लोन दीजिए, कहाँ से देंगे, रोज प्रताड़ित किए जाते हैं, हर रोज जो है बैंक वाले का फोन आता है, कभी बिजली ऑफिस से फोन आता है, कहाँ से हम लोग बिजली बिल चुकाएंगे। आर के झा, पेट्रॉन पीटीए डायरेक्टर इनोवेशन।